सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। दिस इज मयूर एंड यू आर वाचिंग राइड विद मयूर। गाइस, आज का वीडियो यार पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दो पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ है हमारा बजाज की तरफ से चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, एंड दूसरी तरफ है हमारा ओकिनावा का आईप्रेस इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आपको बहुत सारे कस्टमर ने इसको लिया है एंड बहुत सारे कस्टमर के दिमाग में होगा यार इन दोनों में से बेस्ट कौन सा हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको हमें पर जो लास्ट में हम बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इस गाड़ी अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इसको आपको लेना है तो क्यों लेना चाहिए, वो भी हमें पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो जरा सा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर हम यहाँ पर जो इससे यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हम एक तरफ हम बात करते हैं चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, फर्स्ट कंपैरिजन के बारे में। तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस में आपको और भी चेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बता देता है लॉन्च होने के बाद कि इसका प्राइस जो है वो 90,000 के आसपास होगा, बट मैंने जो पिछला वीडियो में बता दिया था कि इसके नए अपडेट के बारे में, उन्होंने कहा है कि 80,000 के आसपास या 90,000 के आसपास इसका प्राइस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को लग रहा है कि बुकिंग करते टाइम कि इसका प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या करें। तो आपको यहाँ पर जो एक्स शोरूम का प्राइस चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का 80,000 रुपये का इसका जो प्राइस होने वाला है, 80 से 90,000 रुपये के आसपास आप पकड़ लीजिए। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करें ओकिनावा का आईप्रेस इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो इसका ऑलरेडी एक्स शोरूम का प्राइस जो है 1,15,000 रुपये है। दोस्तों 1,15,000 रुपये में ओकिनावा आईप्रेस मिलने वाला, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी अवेलेबल है, जैसे ऐसा नहीं कि इसका प्राइस ज़्यादा है वगैरह। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फीचर्स के बारे में भी कंपेरिजन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो है रेंज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेंज के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो रेंज में आपको भी आपको यहाँ पर जो डिफरेंट आने वाला है, जैसे कि चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज आपको मिलने वाला है 80 से लेकर 90 किलोमीटर का वन चार्ज में। आपको रेंज कंपनी 90 किलोमीटर बोलती है, बट आपको 80 किलोमीटर का रेंज पकड़ लीजिए, क्योंकि ज़रा सा कम होता है कंपनी से यहाँ पर जो है कंपेयर करें हम रियल लाइफ में। तो आपको 80 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करें ओकिनावा का आईप्रेस के इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो इसका कंपनी का कहना है 150 से 160 किलोमीटर का, बट आप इसमें 140 किलोमीटर का ही रेंज पकड़ लीजिए रियल लाइफ में। तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंट भी आने वाला है, काफ़ी डिफरेंट आने वाला है। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस अगर 90,000 रुपये इसका एक शोरूम होता है, तो आईप्रेस का यहाँ पर जो प्राइस 1,15,000 है, तो उस हिसाब से इसका जो है रेंज भी काफ़ी यहाँ पर जो है बड़ा दिया गया है, 140 किलोमीटर का रेंज ओकिनावा आईप्रेस में मिल जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, वो है दोस्तों स्पीड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पीड के बारे में यहाँ पर जो कंपेयर करें तो ओकिनावा आईप्रेस का ज़रा प्राइस के हिसाब से इसका स्पीड कम दिया गया है। जैसे हम कंपेयर करें चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो उसका यहाँ पर 80 किलोमीटर पर हर तक का टॉप स्पीड मिलने वाला है चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में। एंड आईप्रेस की बात करें तो 70 से 75 किलोमीटर का आपको यहाँ पर जो टॉप स्पीड मिलने वाला है। ओकिनावा आईप्रेस में आपको यहाँ पर जो दोस्तों टर्बो मोड ऑन करने के बाद आपको 75 किलोमीटर पर हर तक का टॉप स्पीड मिलने वाला है। अदरवाइज आप स्पोर्ट मोड पर चलाओगे तो लगभग 70 किलोमीटर का आपको स्पीड मिलने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो, तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में 80 किलोमीटर का यहाँ पर जो रेंज बोल रहा है, बट 75 किलोमीटर पर तक का टॉप स्पीड जो रियल लाइफ में आपको चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला है। यहाँ पर जो स्पीड में भी जरा सा डिफरेंट आने वाला है ओकिनावा आईप्रेस से, आपको यहाँ पर चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पीड भी ज़्यादा मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पिक पावर के बारे में, कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा पिक पावर लेता है। तो पिक पावर की बात करें तो ओकिनावा आईप्रेस काफ़ी पिक लेता है, क्योंकि उसका बैटरी जो है बहुत ही हाई पावर का बैटरी है। ज़रा से ज़्यादा आपको यहाँ पर जो ओकिनावा आईप्रेस में पिक पावर मिलने वाला है। तो ओकिनावा आईप्रेस से कंपेयर करें चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज़रा कम आपको यहाँ पर पिक पावर मिलने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं बॉडी के बारे में, बॉडी में यहाँ पर जो मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया गया है, अच्छा मटेरियल है नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो बॉडी मटेरियल यूज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, पर जो मेरे को लगा ओकिनावा से हम यहाँ पर जो ओकिनावा का आईप्रेज है उससे कंपेयर करें तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बॉडी मटेरियल काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसी मामले आपको यहाँ पर जो बॉडी मटेरियल के मामले में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको सबसे आगे होने वाला है ओकिनावा आईप्रेज से। बहुत ही ख़राब आप इसको नहीं कह सकते, बट अच्छा है, बट इसका जो बिल्ड क्वालिटी आपको एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी गिर जाती तो उसका मतलब पूरा डैमेज हो जाता है। तो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, वो है दोस्तों बैटरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैटरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी अच्छा होता है बट वो रिमूवेबल बैटरी नहीं होता, तो वैसा ही आपको यहाँ पर जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बैटरी अच्छी है, बट वो बैटरी जो है जैसे लेड एसिड की बैटरी फिट होती है अंदर, उसी तरह से चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो अंदर बैटरी फिट है, तो उसी कारण से अगर आप यहाँ पर घूमने वगैरह जाओगे तो आप उस बैटरी को निकाल नहीं सकते। वहाँ आईप्रेस की बात करें तो ओकिनावा आईप्रेस में रिमूवेबल बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, रिमूवेबल बैटरी है, उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, निकालने के बाद घर पर जाकर चार्ज कर सकते हो। अगर कहाँ पर घूमने वगैरह जाओगे तो उस बैटरी को निकालने के बाद फुल चार्ज करने के बाद उस पर ऐड कर लीजिए गाड़ी में, एंड उसके बाद आप गाड़ी को चला सकते हो। तो इसके नुकसान भी है एंड फायदे भी है। फायदा ये है दोस्तों कि उस गाड़ी को मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिमूवेबल बैटरी है,
अगर आप कहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह करने जाते हो, घूमने वगैरह जाते हो, तो अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई तो आपको रिमूवेबल बैटरी होगी, तो आपको निकालने के बाद आप घर पर वगैरह कहीं पर दुकान पर या होटल पर वगैरह भी लेके जाकर वहाँ पर चार्ज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर जो अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। एंड नुकसान की बात करें तो नुकसान ये है कि दोस्तों इसका जो लाइफ होता है ना, वो फास्ट चार्जिंग वगैरह होने के बाद अगर आप वो निकालो डालो तो उसका ज़रा सा प्रॉब्लम आ सकता है बैटरीज में, उसकी लाइफ कम हो सकती है। तो बजाज एथलीट स्कूटर का आपको यहाँ पर जो लाइफ ज़रा से अच्छी मिलेगी, बट प्रॉब्लम भी आने वाला है, क्योंकि अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, ज़्यादा दूर जाना है, तो आपको यहाँ पर जो बैटरी रिमूवेबल नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करोगे, तो आपको डायरेक्टली स्कूटर के आसपास ही बोर्ड देखना पड़ेगा, उसके बाद चार्ज कर सकते हो। तो ओके, नवा एवरेज में वैसा नहीं है, रिमूवेबल बैटरी है, कहाँ पर लेके जाओ एंड चार्ज करो, उसके बाद ऐड करो। रिमूवेबल बैटरी के मामले में आपको ओके नवा एवरेज काफ़ी अच्छी मिलने वाली, क्योंकि उसमें जो रिमूवेबल बैटरी पैक अवेलेबल है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं वारंटी के बारे में। वारंटी की बात करें दोस्तों, दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी में आपको जो 3 ईयर का वारंटी मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 ईयर का ही वारंटी मिलने वाला है। एंड बहुत सारी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिथियम की बैटरी जो है वो लगभग 5 या 6 साल तक इसकी लाइफ होती है, या ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो अगर आप वो डिपेंड है आप किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज़ करते हो, तो लिथियम की बैटरी जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 ईयर का ही आपको वारंटी मिलने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं लुक के मामले में, क्योंकि लुक भी आपको देखना पड़ता है कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक करने से पहले, कि वो कैसी देखती है एंड किससे उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है। तो ओकिनावा आईप्रेस का यहाँ पर जो बात करें, तो सबसे पहले चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का बात करते हैं। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पर जो शेप वगैरह दिया गया है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, बट ज़रा सा थोड़ा सा ओल्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर लगता है, जैसे कि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो ओके नावा आईप्रेस से। तो ओके नावा आईप्रेस जो है दोस्तों, ओके नावा ने इसमें जो काफ़ी सारे इसमें जो है अच्छे अच्छे फीचर्स भी अवेलेबल। तो दोस्तों ओके नावा आईप्रेस जो है बहुत ही अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर लगता है ना, अगर आप इस गाड़ी को रेड कलर में लोगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर लगता है, बहुत ही लाइट वेट का है। तो ओके नावा से हम यहाँ पर हम कंपेयर करें चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो ओके नावा आईप्रेस ज़रा अच्छा लगता है लुक के मामले में। एंड उसमें जियो फेंसिंग फीचर जो है, दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में जियो फेंसिंग फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्कूटर बाइक करते टाइम में जिसके जो डीलरशिप के ऑनर होते हैं वो बोलते हैं यार अच्छी सर्विस वगैरह, हम अच्छी सर्विस वगैरह देंगे, बट लेने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर उसका जो ऑनर या उसका जो कस्टमर वगैरह इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाता है, उसके बाद प्रॉब्लम आता है, तब पता चल जाता है कि यार इसका सर्विस वगैरह कैसा है, प्रॉब्लम वगैरह क्या क्या आ रही है। तो हम यहाँ पर बात करें बजाज का जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका, तो हम यहाँ पर कह नहीं सकते इसका सर्विस अच्छा भी होगा एंड ख़राब भी होगा, क्योंकि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इलेक्ट्रिक बजाज कंपनी की तरफ से फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको यहाँ पर जो है बजाज कंपनी की तरफ से मिलने वाला। तो इसमें कंपनी ने कहा है कि हम इसका जो अच्छा सर्विस वगैरह देंगे। एंड दूसरी तरफ है हमारा ओकिनावा का आईप्रेस भाई, ओकिनावा ने कहा था कि हम इसका सर्विस बहुत ही अच्छा देंगे, बट ये कर रहे हैं पॉपुलर सिटीज़ पर जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली में बहुत सारे सिटीज़ में अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बट विलेज में इनमें ज़रा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कि डीलरशिप के जो ऑनर है वो बोल रहे हैं कि इसका सामान ही नहीं आ रहा यार, ये प्रॉब्लम है, तो अभी तक ये नहीं आया, 2 मंथ हो गया वगैरह। तो विलेज में अगर आप है तो ओकिनावा आईप्रेस में ज़रा सा प्रॉब्लम आ सकता है, वो चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जो कस्टमर के स्कूटर लेने के बाद उनका यहाँ पर जो है सर्विस कैसा मिल रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो ओकिनावा का जो सर्विस ज़रा सा कम है, अच्छा नहीं है। तो पुणे, मुंबई, दिल्ली में इसका सर्विस काफ़ी अच्छा है। दोनों में से आपको यहाँ पर जो ओकिनावा का जो सर्विस आप सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो ओकिनावा सर्विस कैसा है। तो आप अगर आप पुणे, मुंबई, दिल्ली में वगैरह जाते हो, यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलर सिटीज़ में रहते हो, तो आपके लिए ओकिनावा आईप्रेस का सर्विस अच्छा होने वाला है। एंड चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी सर्विस अच्छा हो सकता है, बट हम देखने के बाद इसको कह सकते हैं कि यार इसका चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। ओकिनावा इसमें ज़रा सा थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए कि विलेज में वगैरह इसका सर्विस अच्छा दे सके। तो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी अच्छा है, हम इसको कह नहीं सकते इसका सर्विस भी अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो आने के बाद ही पता चल जाएगा कि इसका जो सर्विस अच्छा है या नहीं। दोस्तों ये हुए इसके स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप कंपेरिजन करें, तो हमें पर लास्ट में यहाँ पर जो डिस्कस करने के बाद हमें पर जो फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि आपके लिए बेस्ट लेटेस्ट स्कूटर इन दोनों में से कौन सा होगा कंपेरिजन करने के बाद, एंड क्यों होगा आपके लिए यहाँ पर जो है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें, तो ये आपके लिए ओकिनावा आईप्रेस से अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता है, जी हाँ दोस्तों अच्छा हो सकता है, बगर आपको इसमें प्राइस के आपको कम होनी चाहिए तब आपको अच्छा हो सकता है। लगभग इसका जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस 80,000 रुपये होगा, तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा हो सकता है, बट उसमें प्रॉब्लम भी आने वाला, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेते हो तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है, कि वो है दोस्तों इसका जो बैटरी रिमूवेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों बैटरी रिमूवेबल नहीं, तो आपको अगर आपको ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, आपको अगर आप बाहर जाते हो घूमने वगैरह, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है उसका चार्जिंग वगैरह करने के लिए। तो हम दूसरी तरफ हमें फिर बात करें ओकिनावा का आईप्रेस, तो ओकिनावा आईप्रेस की बात करें तो इसका 1,15,000 रुपये एक शोरूम का प्राइस है, प्लस आपको इसमें 150 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, एंड उसमें रिमूवेबल बैटरी है। जी हाँ दोस्तों लाइट वेट की रिमूवेबल बैटरी, आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हो, आप होटल में वगैरह रुके तो होटल में जाकर उसको चार्ज करो, उसके बाद गाड़ी में डालो, उसके बाद आप उस गाड़ी को चला सकते हो। वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड बहुत सारे कस्टमर को एंड बहुत सारे फ्रेंड्स को ये दिमाग में रखना होगा कि इसमें रिमूवेबल बैटरी हो तो फ्यूचर में अच्छा हो सकता है।
क्योंकि चेतालीस स्कूटर में वो फिट बैटरी है, उसमें रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन वगैरह दिया नहीं है, तो आपको चेतालीस स्कूटर लेने के बाद ये प्रॉब्लम आ सकता है, उसका रिमूवेबल बैटरी पैक नहीं है। तो ओकिनावा आईप्रेस लेना तो आप ले सकते हो, उसका सर्विस वगैरह चेक कर लीजिए। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको ओकिनावा आईप्रेस भी मिलने वाला, इसका रेंज हो गया एंड इसका जो रिमूवेबल बैटरी वगैरह हो गया, तो आपको तो ओकिनावा आईप्रेस बेस्ट हो सकती है अगर आपका बजट ज़्यादा हो। तो अगर आपका बजट कम है तो ओकिनावा से आप चेतालीस स्कूटर को ले सकते हो, बट उसमें आपको जो रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, तो ओकिनावा आईप्रेस आपको रिमूवेबल बैटरी पैक मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। हमारा यहाँ पर इस वीडियो में विनर जो होने वाला है हमारा ओकिनावा आईप्रेस ही होने वाला है, क्योंकि ओकिनावा आईप्रेस में आपको रेंज भी ज़्यादा मिल जाती है, प्लस आपको रिमूवेबल बैटरी है, तो रिमूवेबल बैटरी में आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता। एंड इसमें जो है आपको ज़रा सा प्राइस ज़रा सा ज़्यादा हो देना पड़ेगा, अगर आपका बजट कम है तो आप अच्छे से लेटेस्ट स्कूटर ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपने यहाँ पर जो वीडियो देख लिया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की न्यूज़ अपडेट कंपेरिजन वगैरह वीडियो देखने के लिए राइड विथ मोयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहाँ पर जो फ्री में सब्सक्रिप्शन होता है उस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।